थायराइड इज अ ग्लैंड प्रेजेंट इन योर नेक. थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन बनाता है जो है थायरोक्सिन, और T3 T4 करके ये हार्मोन होता है. मेन आपका उसमें जो एक स्टोरेज फॉर्म होता है, एक एक्टिव फॉर्म होता है. हो क्या जाता है, जब भी आपके अंदर कोई भी प्रोसेस होता है, आपके ईच एंड एवरी सेल इन योर बॉडी, इन ईच एंड एवरी टिश्यू, ये थायराइड के जो हार्मोन है उसको एक्सेलरेट करते हैं. तो आपकी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि काम बढ़ाना है, काम कम करना है, तो और उसका एक तरीका है, वो है ये थायराइड. थायराइड हार्मोन जब ज़्यादा हो जाता है, आपकी बॉडी हाइपर मोड में चली जाती है. धड़ाधड़ आपका ब्लड प्रेशर, धड़ाधड़ आपकी हार्ट रेट, धड़ाधड़ आपका मेटाबॉलिज्म, धड़ाधड़ सब कुछ तेज हो जाता है. और जब थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं, एवरीथिंग स्लोज डाउन, और इसीलिए थायराइड ग्लैंड के कम हो जाने, हार्मोन के कम हो जाने की वजह से आप मोटे हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, कब्ज़ हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है. और इसीलिए थायराइड हार्मोन के ज़्यादा हो जाने से आपकी आंखें बाहर आ जाती हैं, आपका धड़कन बीपी सब बढ़ जाता है. तो इसी को हाइपर या हाइपोथायराइड बोलते हैं. इसको ठीक करने के लिए आपको थायराइड हार्मोन के सप्लीमेंट लेने होते हैं. जितने कम उतना सप्लीमेंट, बैलेंस में ले आए आप, बढ़िया, आप ठीक, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं. कारण पता करने के लिए आपको टेस्ट कराने पड़ते हैं, एंटीबॉडीज से लेके वायरसेस तक इसके कारण हो सकते हैं. राइट, ये हुई संक्षेप में बात थायराइड की.